विधानसभा चुनाव का आपने आगाज कर दिया नेहरू स्टेडियम से, देखिए हम सभी सीटों पे प्रत्याशी लड़ाएंगे। आज क्योंकि शुरुआत थी, मुझे चंपावत में एक हत्या हुई और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, मैं तो वहां जाने के लिए आया था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जब आ रहे हो आप तो फिर हम एक रैली भी कर लें। दो तीन प्रत्याशी इन्होंने आज कहा था वो डिक्लेयर किए गए, जैसे हम लोग जबरेडा पे लड़ा रहे हैं, जबरेडा के बाद रुड़की पे से प्रत्याशी डिक्लेयर किए और खानपुर पे, बाकी सीटों पर जल्द प्रत्याशी डिक्लेयर किए जाएंगे, बड़ी रैली हम लोग करेंगे। जो कुछ होगा आपके सामने होगा, अभी तो आजाद समाज पार्टी अपने दम से लड़ेगी। आप बताइए सर, बाबा साहब ने छह बड़ी बातें क्या क्या की गई है, सीटों पे जीत के जा रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो कौन है फिर जो आप कह रहे हो कि भाई बाबा साहब के बच्चे नहीं जा रहे? तो बाबा साहब ने तो पहले ही आप लोगों के लिए, बाबा साहब ने आपके लिए भी क्या है, ये माइक ले खड़े ना बाबा साहब की देंगे मेरे, अगर इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन आया है बाबा साहब की देन है। आजाद जी कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट मिले ना, छह घोषणाएं बता, एक मिनट सुनिए, बाबा साहब के बच्चे कौन है? इस देश का हर एक व्यक्ति बाबा साहब का बच्चा है, लेकिन बाबा साहब का असली बच्चा है जो बाबा साहब की विचारधारा में चलता है। आरएसएस बीजेपी के लोग बारह बाबा साहब की विचारधारा में चल रहे और सरकारों में जो मैं क्या कह रहा हूँ, जो जा रहे हैं ना, अगर उनके उनके भरोसे अगर उनके भरोसे कुछ अच्छा होता उनके रास्ते, उनके बाद दलित और पिछड़े माइनोरिटी के लोग यहाँ गुलाम नहीं होते। ये सरकार ने अभी अगर बाबा साहब के बच्चे सरकार में हैं तो प्रमोशन रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू किया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार कर सकती है? छात्रवृत्ति क्यों बंद कर दी? तमाम तरह स्कूल क्यों बंद कर रहे हैं? क्यों यहाँ हॉस्पिटलों में लोग मर जाते हैं? कहाँ बाबा साहब के बच्चे? बाबा साहब के बच्चे तो आ रहे हैं, जिनको आप बाबा साहब के बच्चे बता रहे हैं ना, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जिसकी बात आप कर रहे हैं उसको तो सरकार बढ़ाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके जरिए वो लोग चुन के आएंगे इन रिजर्व सीटों पे, जो उन दलों का काम करेंगे जिन्होंने उनको वोट दिया है। हम जनरल पे लड़ाएंगे, हम जनरल के जरिए जाएंगे मेहनत से। हमारी छह घोषणाएं जिसमें महिला सुरक्षा, नौजवानों के लिए रोजगार, हम हर व्यक्ति एक व्यक्ति जैसे नेताओं को, सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को फ्री में अस्पताल से इलाज मिलता है तो हम फ्री में इलाज करेंगे हर एक व्यक्ति का। हम पढ़ाई के कारण बहुत सारे नौजवान उनके सपने कुचले जाते हैं। हम व्यावसायिक जो शिक्षा है कक्षा एक से बारह तक नहीं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, MBBS, MD, BTEC, MBA, MCA इन सबको फ्री कराएंगे, क्योंकि एजुकेशन लेना हर व्यक्ति का अधिकार है। गरीब कैसे करेगा इस महंगाई की दुनिया में सर्वाइव? हम जो बुनियादी काम है नौजवानों को बैकलॉग के जरिए, जो बैकलॉग उसको भरने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। हम यहाँ सफाई कर्मचारियों को ठेकेदारी से निकाल के सरकारी सिस्टम में लाएंगे, नियमित करेंगे उन लोगों को। हम यहाँ हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं सर, आपने कहा हमें हिस्सेदारी चाहिए और रिजर्व सीटों के भरोसे नहीं है हम। हम तो अपनी मेहनत से काम करके जनता को जोड़ के, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है चुनाव लड़ना, हम जनरल सीट पे भी एससी एसटी ओबीसी के लोगों को लड़ाएंगे। उत्तराखंड में कितने विधानसभा? अभी तीन की घोषणा कर दी है, जल्द बड़ी रैली से बाकी घोषणा। वो यूपी की बात है, वो यूपी की बात, उत्तराखंड में नहीं करेंगे। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर बीएसपी स्ट्रॉन्ग है तो उनका कितना विधायक है? आप बता दो सीटों पर कैंडिडेट क्या कह रहे हैं? ओहो कितने विधायक हैं उनके यहाँ? नहीं जहाँ पर अभी बीएसपी लग रही है सर, बीएसपी जहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग आपको लग रही है ना मीडिया के लोगों को? मैं ये पूछ रहा हूँ, एक मिनट मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितने विधायक हैं उनके यहाँ? नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग लग रही है वहीं पर। मैं क्या कह रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग वही तो बहुजन समाज है, वो हमारे साथ है। वो इस बार बीजेपी टिकटों पे नहीं जाएगा, वो मेहनत करने वाला भी जाएगा। अभी तो हमने तीन ही घोषित किए, घबराओ मत, जिसमें कांग्रेस बीजेपी ना वहाँ भी घोषित करेंगे और कांग्रेस बीजेपी के लोगों को रोकेंगे, जहाँ होगा बताएंगे। किसके पास? बसपा के पास। कितने परसेंट है? 5%। अब वो आजाद समाज पार्टी के पास ज्यादा आ जाएगा, आप चिंता, ठीक है, क्योंकि लोग उनसे उम्मीद छोड़ चुके हैं। मुझे उनपे कोई बात नहीं करनी, आप वो देश को तोड़ रहे हैं, उन्होंने जाति धर्म में लोगों को बांट रखा, देश का भाईचारा टूट रहा है और वो संप्रदाय एकता की राजनीति को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण इस देश में टकराव है। इस देश में अखंडता तब आएगी जब यहाँ से जाति व्यवस्था कटेगी, तो जाति व्यवस्था काटने के लिए जाति को पालने वाले संगठन को रोकना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।